राम तन में राम। दिस इज अनूप जलोटा एंड कीप वॉचिंग INN24 चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। कृष्ण महाराज जी, नागपुर शहर में ऐसी बहुत सी श्रीमद् भागवत कथाएं होती है जी, और आपकी भी हुई है जी, तो इसमें ऐसी क्या विशेषताएं है? जय श्याराम, जय बागेश्वर। बहुत सही आपने पूछा कि नागपुर शहर में बहुत सी कथाएं हुई और हम भी आए, तो इसमें क्या विशेषता है? चूंकि श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत दैहिक दैविक भौतिक परेशानियों से जो परेशान लोग हैं उनके लिए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, यह एक अलग रहा और जिससे लोगों का, भक्तों का जुड़ाव विशेष रूप से रहा और अनेक भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आकर के एवं दरबार में आकर के श्री हनुमान जी कृपा को श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आकर के श्री कृष्ण कथा का रसपान किया। इसके पहले भी जो युवान वर्ग को सनातन धर्म से एवं नशे की आदत से जो युवान वर्ग जुड़े हुए हैं एवं प्रभावित हैं आज के वातावरण में, उन सबको श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री मद्भागवत कथा के अंतर्गत उन सबको सनातन धर्म से जोड़ने का हमारा प्रयास है। निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं और उनको अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए, श्री हनुमान जी की तरफ प्रभावित करने के लिए श्री हनुमान जी की कृपा से जो भी वह प्रेरणा देते हैं उन प्रेरणा के अंतर्गत चल के साथ ही साथ उनकी दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का निराकरण हनुमान जी की कृपा से करवा के उन्हें जो है हनुमान जी महाराज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वह दिव्य चमत्कारिक शक्ति क्या है जिससे कि हर कोई आने वाले व्यक्ति का मनोकामना पूर्ण करेंगे? जी, ये बहुत सुंदर सवाल है। ये बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम है और आज वर्तमान में एक तीर्थ बना हुआ है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ हजारों भक्तों ने जाकर के देखा कि आज के युग में, विज्ञान के युग में, आप भी विज्ञान से हैं और हम भी विज्ञान से हैं और दोनों विज्ञान से हैं, परंतु इस विज्ञान के युग में आज के विषय का सबसे बड़ा सोच का विषय है कि कोई पहले से कैसे लिख देगा कि आप क्या पूछेंगे, आपकी परेशानी क्या होगी और आप क्या बोलने वाले हैं। ऐसा बोलने का भाव आपके अंतर्गत जो प्रकट होता है उसे चाहे आप विज्ञान मानिए, चाहे कोई दिव्य शक्ति मानिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे हनुमान जी की जो हमें प्रेरणा लगती है उस प्रेरणा के द्वारा हम कलमबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं और वही आप पूछते हैं, जिससे आज का युवान वर्ग जो दुर्भ्रमित है, जो भ्रमित है, जो आज की हवा में भाग रहा, वो ये सब हनुमान जी की लीला को देख करके बागेश्वर धाम से जुड़ रहा है और कथा में आकर के अनेक युवानों ने हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त किया।